क्या हुआ इसके घर से? अब ये मेरे को बताए भी नहीं। देखिए अच्छा, नहीं की तो जाने दो ना यार, मत रो। क्या मैं हूं तुम्हारे साथ में, तो मत नहीं किया सर फोन तो ऐसा जाके नहीं, बताया। क्या टेंशन मत लो, मैं हूं ना जी साथ में। काहे को इतना टेंशन लेती है? आप हम क्या कष्ट से शादी किया इसलिए भी वो लोग आपके ऐसा भैया हमें छोड़ देंगे ना, नहीं तो हम बीच मजेदार में रुक के रहेंगे। हमारे को ना कोई किधर से भी बाहर आके डुबा के लेके चेहरा जाएगा। कमल है, बात गजल है, खुशबू जैसी तू चंचल है। क्या हो गया जी आज? हमेशा कुछ क्या उधर से गाना रिस्पॉन्स गुनगुनाते नहीं दे हैं रही हो, उदास उदास हो। ऐसे, हमेशा क्यों गया गाना गुनगुनाने लगते हैं? छोड़ो अरे तो अभी। जब भी तुम साड़ी पहनते हो तो तुम मालूम है ना कि मैं हमेशा उस टाइम खुश हो जाता हूँ तुमको देख के। एकदम कुछ न कुछ दिल में होने लगता है। लेकिन मैं है खुश नहीं हूँ क्यों, ऐसे। क्या हो गया? क्या हो गया आपको नहीं पता है? और तो तुमको क्या हुआ, हमको क्या पता? हमको तुम थोड़ी बताए कि क्या हुआ है नहीं हुआ है। मैं आया, चलो सोचा एक वीडियो बना लेते हैं। शाम का समय आज जो है मेरी बीवी पहन ओढ़ के रेडी है, तो एक अच्छा सा ब्लॉग बना लेते हैं लव मैरिज कपल का। और तुम तो मुंह फुला के बैठी हुई है। क्या हुआ, रात का गुस्सा अभी तक नहीं उतरा क्या? रात में जो नाराज हुई थी। वो गुस्सा तो है ही, हाँ फिर वो गुस्सा तो रात थोड़ा में, सा लेकिन रात में ही मना लिया था ना मैं ना, तो फिर सुबह में तो सब कुछ खाना वाना बनाई, यहाँ आके चुपचाप मुंह फुला के चाय बनाने लगे। गाना गा रहा हो तो बोल रही क्या हमेशा गाना गा रहे? जब भी गाना गाता हो तो तुम फिदा हो जाती मेरे पे। आज क्या हो गया? आज क्या हो गया? इतना दिनों से आराह देखते देखते मैं थक गई अभी, क्या चीज का, इसलिए नहीं मन हो रहा बोलने। किसका राह? प्लीज हमको भी तो बताओ किसका राह देख रही है? किसका राह देखेंगे? 1 जनवरी से इंतजार कर रही हूँ कि फोन आएगी फोन आएगी, लेकिन नहीं आए। किसका, तुम्हारे घर से? क्या तो उसके लिए तुम इतना सैड है यार? क्या तुम नहीं कर रहे फोन तो तुम्हारा घर वाला छोड़ दो ना, फिर काहे को इतना तुम तो टेंशन लेके बैठी है? तो इसी वजह से थोड़ा सा बेटी जब तक घर में रहती ना, माँ बाप के घर में जब तक शादी नहीं होता है ना, तभी तक बेटी का रहता है। जैसे ही शादी करके पराया ऐसा घर, थोड़ी है। वैसा ही है, जैसे ही शादी करके पराया घर चले गया ना, फिर उसका कुछ लेना देना नहीं रहता है। आएगा समझ में? तो उतना कुछ ज्यादा तुम टेंशन मत लो। पराई घर का बात नहीं है ना, देखिए ना अभी 3 जनवरी हो गया, इसलिए कल तक मैं कितना इंतजार करे। चलो आज तो करेंगे फोन, आज तो करेंगे, आज भी शाम हो गया फिर फोन नहीं मत आया। करने दो। ये गाइस क्या हुआ इसके घर से? अब ये मेरे को बताए भी नहीं। देखिए अच्छा, मत हो नाराज, मत हो, नहीं की तो जाने दो ना यार, मत रो। क्या मैं हूं ना तुम्हारे साथ में, तो मत नहीं किया फोन तो जाने दो ना। रीजन ये गाइस, इसका जो है ना, हर एक मतलब नया साल में कोई भी पर्व त्योहार में फोन वहां से इसके घर से आता था। लेकिन जिस समय से आपको एक वीडियो हमने डाला, अभी तो आपको मालूम रहेगा कि 3,000 रुपये के लिए इसका भाई ने बोला था ना, तो वो पैसा नहीं भेजा है। तो उस टाइम से सही में फोन भी नहीं किया है। और गांव में तो आपको मालूम है, इनका माँ बाप है तो उनके पास मोबाइल है ही नहीं। और वो लोग उसी के, इसके भाई जब भी फोन करते थे उन्हीं से वो लोग भी बात कर लेते थे, हमारे सास ससुर इनके पास। अब नया साल में हर एक टाइम फोन करते थे, कैसा है क्या है। इस बार वो बोली कि फोन आएगा फोन आएगा, बाद में नहीं आया, तो इस तरीके से कुछ सैड हो गया। और मैं आया था एक अच्छा खासा रोमांटिक वीडियो बनाने के लिए, मस्ती वाला वीडियो बनाने के लिए, देखिए सैड हो गई। मत रहो सैड, ऐसा ही होता है। क्या टेंशन मत लो, मैं हूं ना जी साथ में। काहे को इतना टेंशन लेती है? आप क्या इन लोगों को क्या मालूम? अदर कास्ट से शादी किया इसलिए भी वो लोग का नहीं, क्या ये होता होगा? अदर कास्ट से शादी किया तो फिर वो लोग को सब मालूम है ना। ऐसा थोड़ी है, इससे पहले तो उसके यहाँ आते थे जाते थे सब। सबसे मेन बात है वही पैसा उसको नहीं भेजी ना, इसलिए वो लोग नाराज हो। लेकिन यहाँ पे हम लोग की क्या परिस्थिति है, उन लोग को मालूम है वही तो, पैसे कितना के लिए खा मुसीबत रखे चल हैं। रहा है यहाँ फिर पे, लेकिन क्या बोले, किसको बोले? पैसे इसलिए पैसे तो के लिए सबका रिश्ता रहता है। पैसा नहीं भेजी तो नया साल के कौन ऐसा होगा कि नया साल का मतलब हैप्पी न्यू ईयर नहीं बोला रहेगा, आप नया साल का बधाई नहीं दिया रहेगा। लेकिन वो लोग ऐसा है कि मतलब नया साल के लिए फोन भी करने के लिए लोगों के पास मोबाइल में क्या बैलेंस नहीं रहता होगा वही क्या? तो देखिए ना, अभी नया नया जो भी व्यूवर्स भी न्यू ईयर बोला है, फिर लेकिन घर के कोई लोग बोले नहीं। हाँ, तो यही समझो अभी घर वाले नहीं बोले ना हैप्पी न्यू ईयर। बच्चे बच्चे भी मेरे हॉस्टल से फोन किए थे कि मम्मी पापा मत रो मत रो कि मत न्यू रो ईयर यार, बोले। अच्छा नहीं लगे प्लीज। मत रो मत रो, मन को छोटा मत करो।
तो ऐसा गाइस, तो आप लोग ना हैप्पी न्यू ईयर भर भर के कीजिए कमेंट। देखिए माला सैड हो गई है, इसके घर वाले जो मतलब वहाँ से हैप्पी न्यू ईयर नहीं बोले ना इसके वजह से, तो हमारे यूट्यूब फैमिली ने फिर हैप्पी न्यू ईयर बोला ना तुमको जी, कितने सारे कमेंट बोले आया है फ्रेंड ना, लोग का देखो तो। लेकिन इतना क्या बोलते हैं, इतना पैसे के लिए थोड़ी रिश्ता रहता है। रिश्ता भी तो माँ ये करना चाहिए ना। अदर कास्ट से किए तो, लेकिन कभी तो हम नहीं जाते ना घर पे। हाँ बाबा चलो, मेरे हस्बैंड ने मुझे परेशान कर रहा है तो जाके रुकते, ऐसा भी नहीं है। पैसा मांगते ऐसा भी नहीं, वो लोग ही हमको पैसा मांगते भी और नाराज भी खुद ही हाँ होते। सही बात है गाइस, जब से मतलब मैंने माला से शादी किया ना, आज तक हम 1 रुपये भी इनके घर वाले से नहीं मांगे। उल्टा हम ही लोग, जब भी हम लोग का मतलब 2 पैसा रहता है ना पास में, तो हम ही लोग सपोर्ट करते हैं। और बताइए वो लोग को मतलब एक मैसेज भी डालने को व्हाट्सएप पे या तो फोन भी करने को, वो लोग मतलब इतना पीछे हट गया, क्या ही बोला जाए। ये दुनिया ऐसा है ना, पैसा है तो सब है, पैसा नहीं तो कुछ नहीं, वो और कहावत मेरे ना। घर का जो बोलते ना, वो नहीं ठीक है कंडीशन, लेकिन फोन तो तो फोन तो आते करना थे। चाहिए ना यार, ऐसा क्या है, लेकिन कंडीशन ठीक नहीं तो उससे उसके यहाँ क्या हम जाके रहते कि खाना खाते हैं क्या, कुछ करते हैं, कोई कपड़ा मांगते हैं क्या है? वो कहावत में ना, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, वही बात है। जाने दो, उतना टेंशन मत लो, अपनी यूट्यूब फैमिली है, यही अपने को सपोर्ट कर रही है। और तुमको कितना मेरे से ज़्यादा तो तुम ही को बोलिए हैप्पी न्यू ईयर भाभी, हैप्पी न्यू ईयर भाभी है। बोलते हैं ना जी, फिर लेकिन मुझे मम्मी से भी बात करनी थी। कितना है, 2 महीने से ऊपर होने चल गया। तुम्हारी मम्मी को भी तो नंबर याद रहता ही नहीं है, ऐसा नहीं कि दूसरे के मोबाइल से मिस कॉल देगा तो फिर फोन हो हाँ जाएगी, लेकिन वो लोग भी मिस कॉल भी नहीं देते हैं। नंबर तो कम से कम याद नहीं रहता तो लिख के तो रखना चाहिए ना कहीं पे, किसी इसमें लिख के रख लेगी, बांध लेगी अपना फुट में, उसमें तो पर्स में, तो वो भी चलेगा, वो भी नहीं वो नहीं लोग होता है करती ना, है। इतनी गांव की औरतें लोग को इतना थोड़ी समझ होता है जी। चलो सारा इसको जो है ना नाराजगी को अपने मन से निकाल दो, चाय और प्यारा प्यारा चाय पी लो, पीजिएगा। कुछ मत ऐसा नाराज रहो, मन को जितना भारी रखेगी ना उतना टेंशन बना रहता है कि नहीं गाइस, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मन को भारी रखने से मन में जितना बोझ रखेगी ना उतना अच्छा। हुआ हम वीडियो बनाना चालू कर दें तो उस बात को लेकर के तो मन में एकदम और ये करके रखती है ना बात को, वैसा होता है। वीडियो बना तो कम से कम तुम्हारा मन तो उतना हल्का हुआ ना, कम से कम तुम्हारे अंदर जो बात था वो बात तो सामने आई, मन तो हल्का हुआ। तो कुछ ऐसा रहता है अपना यूट्यूब फैमिली का देखो प्यार। तो कोई नहीं, हम तुम्हारे साथ में हैं, तू हमारे साथ में है, अपनी फैमिली साथ में है, कोई नहीं। वो लोग आज नहीं तो कल जरूर फोन करेंगे, कितना दिन इंसान कितना दिन वो लोग नाराज रहेंगे हाँ वो हा? भी है। फिर इसके लिए कोई बात नहीं, नया साल फिर से आ जाएगा 2023 से, तो 2024 भी आने में टाइम नहीं लगता है, देखते देखते ही उंगलियों पर समय निकल जाता है। वो तो है जी, फिर लेकिन समय हर हर चीज को तो कैप्चर करना होता है ना दिमाग में। हाँ तो गाइज उसी यही है, देखिए अभी मतलब पैसा अभी क्या मालूम वो लोग के मन में। ये तो बात है गाइज कि हम जो मतलब इससे शादी कर लिए हैं तो वो कितना भी मतलब वो घुल मिल गया है ना, लेकिन कुछ ना कुछ उनके मन में जो है ना घाव बना हुआ है, वही बात हो सकता है, लेकिन फिर भी फोन करता था। और इस टाइम हम तो लोग का कैसे है, जैसे हमारा लव मैरिज हुआ है ना, हम लोग अपने तरफ से पूरा 100% देने की कोशिश करते हैं, ससुराल में भी मायके में भी, लेकिन 100% होता नहीं है। 100% हो ही नहीं रहा है हम पैसा लोगों का। हमेशा सब पास में नहीं रहता है ना, जिस हिसाब से रहता है उस हिसाब से, लेकिन अभी क्या किया जाए। तो कुछ ऐसी है हमारी लव मैरिज की कहानी, अभी चल रही है प्रेजेंट में, और मैं तो उतना टेंशन लेता नहीं हूँ, लेकिन ये ज़्यादा टेंशन ले लेती है। तो आप लोग भी प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि इसको टेंशन लेने को ना बोले, और घर वाले तो ऐसे होते हैं, और माँ बाप तो वही मेन बात है, इनके माँ बाप के पास मोबाइल है नहीं, और भाई लोग बात नहीं कराते होंगे, नहीं तो माँ ऐसी है कि फ़ोन तो हर एक महीना 15 दिन में नहीं फ़ोन वो करते आते रहती होंगे थी। ना तो बोलते होंगे कि फोन लगा माला को, लेकिन भैया लोग बोलते होंगे कि पैसा नहीं है, रिचार्ज हाँ नहीं रिचार्ज है, नहीं, कुछ ना कुछ बहाना बना देते होंगे, बहाना। मुझे जो लग रहा है। हाँ तो कोई ना, कभी ना कभी गांव जाऊंगा तो सच्चाई मालूम पड़ ही जाएगी, और आप लोग को वहां का भी वीडियो मैं शेयर करूंगा कि क्या कंडीशन है नहीं है। तो आज के लिए आपके बस भैया हमें छोड़ देंगे ना तो हम बीच मजेदार में रुक के रहेंगे। हमारे को ना कोई किधर से भी बाहर आके डुबा के लेके जाएंगे, ऐसा कंडीशन मैं है मेरा छोड़ूंगा ही नहीं, फ्रेंड्स। क्यों छोड़ूंगा जी। क्योंकि हाँ मायके से कोई फिर सपोर्ट नहीं है, छोड़, सिर्फ एक ही इंसान का सपोर्ट है जो मेरे हस्बैंड है, बाकी किसी का सपोर्ट नहीं अगर है। वैसा कोई वैसा रहता तो फिर तुमको अपनाता ही नहीं ना, छोड़ने के लिए थोड़ी ना अपनाया हूँ। हाँ हमेशा भगवान से दुआ करो कि हम लोग जन्मों जन्म 100 जन्म तक हमेशा साथ रहे, और इसी तरीके से हम लोग का प्यार मस्ती भरा लाइफ हमेशा चलता रहे। जीवन में छोटी बड़ी मतलब सुख दुख तो आते रहती, उसके लिए नाराज नहीं होना है, अपने आप को सैड नहीं करना है, हमेशा मस्ती में रहना है, खुश रहना है, अपने परिवार के लिए हाँ सोचना है।
तो गाइस देखिए, हम वीडियो बनाने आए थे एक मस्ती भरा, इसलिए हम गाना भी शुरू किया। ये तो मस्ती भरा होते हुए तो दूसरे टॉपिक पे वीडियो चलेगा, तो कोई नहीं, ये भी अच्छा हुआ कि माला का जो दिल का बोझ है वो आपके सामने आया और मुझे भी सुनने को मिला, इसका भी मन हल्का हुआ रहेगा ना। तो मेरा मन हल्का नहीं होगा। मन में वैसे कुछ बात मत रखो, ओके। चलो तो चाय पी लो, चाय भी ठंडी हो रही। तो गाइज आज किस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अब माला का देख रहे हैं आगे बोलने का मूड नहीं है, है ना। तो प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा और प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी देखते हैं इसका कब मन खुलता है, मूड फ्रेश होता है कि फिर एक अच्छा सा मस्ती भरा वीडियो आप लोग के लेके आऊँ। हाँ। तो मिलता हूँ फिर से नए वीडियो में।